मुझे कोई ये बताओ मैं 20 आलू टिक्की बर्गर का क्या करूं। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। ऐसा लग रहा है एकता कपूर का सीरियल देख के बैठी हूँ। मुझे लगी हुई बहुत जोर से भूख, मेरा मन कर रहा है स्पाइसी से नूडल्स खाने का। That was literally her reaction. But I'm shitty scared and nervous. नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। I'm Gopali and I'm vlogging today because I just love vlogging. तो आज हम एक और बहुत ही fun और interesting सा challenge लेके आ गए हैं। मैंने बहुत दिनों से बाहर का कुछ खाया नहीं है, like I was avoiding to eat बाहर का unhealthy food, you know, like who's talking about some healthy stuff. But anyways, आज जो हम challenge करने वाले हैं वो है letting the person in front of me decide what I eat in a day. मैं समझाती हूँ, बहुत simple है। जो हमसे पहले जो भी वहाँ पे order वगैरह आया होगा हमें वही लेके same खाना होगा पूरे दिन के लिए। तो सुबह की शुरुआत हम करने वाले हैं गुजराती फरसान के साथ, ऑल दैट इडड़ा ढोकड़ा खमन हांडवा वाले भारी शब्दों से ही। जितने भारी दिखते ना उतने ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, आई लव देम। तो अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि मैं 2-2.5 घंटे पहले उठ गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आई एम स्टार्विंग, लेकिन बूढ़ 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 चल रहा है। दिस इज़ गोना बी फन, सो या डू एन्जॉय। एंड येस गाइज, दिस इज़ गोना बी फॉर लाइक लेजिट 24 आवर्स, सो लेट्स गो। I was so embarrassed कि ये कैसे क्यों ऐसे क्यों कर रहे। They told me no, like directly NO बड़ा वाला कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम आपको कुछ नहीं देंगे। Like I am officially rejected by a फरसान की दुकान। So सुबह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है, अब आगे जाके देखते हैं। भूख लगी हुई है, कोई तो कुछ तो खाने को दे दो। हेलो गाइस, तो जो हमारा प्लान है उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास है बहुत सारा फरसान। अब वेट, लेट मी जस्ट सिट इन माय कार। अभी सब टूट जाता है। ओके गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं क्योंकि आई गेस जो मुझसे पहले जो ऑर्डर देके गए थे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने सारी चीज़ें 20-20 रुपए की ली, सारी की सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी हैं। सिर्फ दो चीज़ें उन्होंने नहीं ली थी, मैं भी भूल गई हूँ क्या चीज़ें। हाँ, उन्होंने एक भजिया नहीं लिए थे मेथी के, और भी कोई एक चीज़ थी जो उन्होंने, पोंक वाला शायद करके कुछ था जो उन्होंने नहीं लिया, नहीं चेवड़ा नहीं लिया था, सॉरी। हाँ, तो यही दो चीज़ें नहीं ली थी, बाकी इनकी दुकान में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्होंने सारी 20-20 रुपए की ले रखी हैं। सो मेरे पास पूरा बैग भर के नाश्ता है। तो अब मुझे घर जाना पड़ेगा और मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला आप लोग प्लीज़ कोई ब्रेकफास्ट मत करना, मैं सबका ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ। हम जाते हैं घर और हम सारा सारा गुजराती फरसान खाने वाले हैं। हेलो गाइस, आई एम बैक होम और मम्मी मैं इतना सारा खाना लेके आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो लोगों ने इतना सारा ऑर्डर किया था ना, दे वर नॉट फ्रॉम गुजरात, दे वर जस्ट विजिटिंग सूरत, तो उन्हें सब कुछ ट्राई करना था क्योंकि मैं देख पा रही थी कि वो वहीं पे खड़े होके खाते, नहीं कि वही लोग थे। आप मेरे पास ब्रेकफास्ट देख सकते हो कितना सारा है, दो प्लेट भर के। एंड देन आई ऑल्सो हैव लोचा लोचो एंड दिस सीम्स टू बी सो अमेजिंग। बट देयर ब्रेकफास्ट में गुजराती फरसान को ना आई डोंट थिंक कुछ भी बीट कर सकता है, दिस इज लव। गाइज, आप इसकी स्टफिंग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग होती है इसकी, खट्टी मीठी तीखी होती है। इसके जो फ्लेवर्स होते हैं ना गुजराती फूड के, they are so 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 amazing. So this is my breakfast. Guys, I'm so full. और आई एम स्टिल हैविंग सम खमड़ी, क्योंकि खमड़ी मुझे ऐसा लगता है लोग इसमें कुछ मिलाते हैं, इट्स लाइक एडिक्शन। अगर आप एक बार एक खा लोगे ना, थोड़ी खा लो ना, आपको मन करेगा और खाओ और खाओ और खाओ टाइप्स। बट गाइज, आई एम सो फुल करेंटली, आई वॉज सपोज टू गो आउट एंड फिनिश अप सम वर्क,
बट अब मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं. आई जस्ट फील लाइक लाइंग ऑन माई बेड एंड वॉचिंग बिग बॉस. इसका नाश्ता तभी पचेगा जब तक ये बिग बॉस नहीं देखेगी. माई मॉम हेट्स बिग बॉस. ये मुझसे पता है कब से पूछ, ये तेरा बिग बॉस खत्म होगा कि नहीं होगा? एक बार चालू होता था फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता. फिर उसमें भयंकर लड़ाइयाँ. हाँ, और मम्मी के हिसाब से उनसे लड़ाइयाँ सीख के मैं घर पे लड़ाई करती हूँ. मेरी मम्मी का लॉजिक बड़ा ही इंटरनेशनल लेवल का है. बट गाइस आई एम सो 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 फुल. अब देखते, मुझे लगता है मुझे सीधा डिनर पे ही भूख लगेगी. सर कैच यू देन. नो आई एम जस्ट किडिंग. मैं भी आ जाऊंगी थोड़ी देर बाद वापस. आई एम हंग्री करते हुए. करेंटली इट इज़ 1 o'clock और जैसे मैंने आपको बोला था मैं बिग बॉस देखूंगी, पर मैंने बिग बॉस नहीं देखा. आई एम जस्ट वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स. मेरी बुक रखी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन फ्यू नाइस एंड मोर अमेजिंग कंटेंट. सो विश मी लक फॉर दैट. अभी तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी. यस, यू गाइस कैन सी देयर समवेयर. सो आई एम हियर एट स्टारबक्स एंड आई बैडली नीड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और चाय. दोनों में से कुछ भी चलेगा. मेरे स्टारबक्स के साथ एक्सपीरियंस इतने अच्छे रहे नहीं है, बट स्टिल विश मी लक. बस चाय कॉफी में से कुछ एक मिल जाए. ये बहुत अतरंगी चीजें देते हैं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ अतरंगा स्टफ नाउ. इज विश मी लक. आई एम एक्चुअली नर्वस उसकी भाई, पता नहीं प्रीवियस ऑर्डर क्या होगा क्योंकि बड़ी सारी कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह चल रही है. सो यू नेवर नो, मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए. बट बड़े सारे से ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं. आई डोंट नीड ज्यादा चीजें क्योंकि अगर ज्यादा आ गए ना तो भाई साहब मेरा पूरा बैंक अकाउंट ऐसे उड़ जाएगा. सो या लेट्स गो. काफ़ी लोग ऑर्डर दे रहे हैं बट आई एम शिटी स्कैर्ड एंड नर्वस कि मैं उनको जाके बोलूँ भैया जो इससे पहले ऑर्डर आया ना बस वही दे दो. बट आई नीड टू डू दैट. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि यहाँ पे थोड़ी सी क्यू है. 4-5 लोग लाइन में खड़े हैं, वो लोग ऑर्डर दे रहे हैं. फिर मैं जाती हूँ. आई एम नो क्लू वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं. विश मी लक. आई जस्ट डोंट वांट गेट अ लॉट ऑफ स्टारबक्स की चीज़ें. पता है कोई एक बंदी तो खड़ी है, वो ना वो सिपर भी लेके खड़ी है जो 2200 रुपये का है. आई एम लाइक भाई ये मत खरीद लेना तू, और अगर ये खरीदेगी तो मैं इसके पीछे नहीं आऊँगी, मैं किसी और के पीछे जाऊँगी. आई जस्ट नीड द प्रीवियस ऑर्डर. जो भी ऑर्डर दिया ना इससे पहले, मुझसे पहले वही रिपीट कर दीजिए ना. मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर दी, पूछ लीजिए ना आप. मेरा नहीं, जो अभी इससे पहले हो गया ना ऑर्डर, अभी इससे पहले कोई ऑर्डर गया हो. हाँ वही देखिए. ठीक है, दोनों दे दीजिए. मैंने मंगाया होगा ना, मैं वही से मंगाया. तो पहले वाले ने एक हॉट और एक कोल्ड मोका मंगाया था, तो मेरे पास ये कोल्ड मोका आ गया है. गाइस हियर आई डू हैव माय स्ट्रॉ. दिस इज़ नाइस. बट जैसा मैंने आपको बताया था, उन लोगों ने एक्स्ट्रा स्वीट करवाया है, बोल के ज़्यादा मीठा करवाया है. दिस इज़ स्वीट बट दिस इज़ नाइस. एक ठंडा और एक गर्म आया है. हाँ, दिस इज स्टिल फाइन. जस्ट वांट टू ऐड सम शुगर इन दिस. इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, इसको एक्स्ट्रा मीठा कर दिया है. सो हेलो गाइज, कैसन बा. हमको लग गया है भूख बहुत जोर से क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है सवेरे से. वाह, क्या ये राइम हुआ. एनीवेज गाइज, करेंटली आई एम हियर एट मैकडॉनल्ड्स. आई होप यू कैन सी दैट. यस, आप देख पा रहे हो. तो मैं आ गई हूँ मैकडॉनल्ड्स पे क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख और मुझे कुछ ऐसे अच्छा खाना था. दो आई डोंट लाइक ब्रेड अ लॉट, पर देखते हैं हमारे पास मैकडॉनल्ड्स वाले लोगों ने क्या रख रखा है, लोग यहाँ पे आके क्या खाते पीते हैं. आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो नर्वस बिकॉज वापस वो ऑकवर्ड वाली चीज़ होने वाली है कि भैया इससे पहले वाला ही ऑर्डर वापस दे देना. यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश रहता है तो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा. ऊपर से मैं अकेली आई हुई हूँ. सो या पे सो क्राउडेड, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है ऑर्डर देने के लिए. मैं वेट करूँगी लाइन को थोड़ा ख़त्म होने जा हो जाए फिर मैं वेट करूँगी. हेलो गाइज, लुक हु आई एम विद एंड सोचो इन लोगों ने मुझसे क्या करवाया. मैंने 20 आलू टिक्की बर्गर लिए हैं क्योंकि मुझसे पहले वाला ऑर्डर वो था. जब उस बंदी ने मुझे बोला ना कि 20 आलू टिक्की बर्गर इससे पहले वाला ऑर्डर था, आई वॉज लिटरली शॉक. और मेरा मन कर रहा था ये बताओ अकेला बर्गर, अकेले 20 बर्गर कौन लेके गया है. नो कोल्ड ड्रिंक, नो फ्रेंच फ्राइज, नथिंग. मैंने ट्राई किया आजू बाजू देखने की, पर ये काफ़ी बड़ा मैकडॉनल्ड्स है, लाइक 2-3 माले का मैकडॉनल्ड्स है. सो आई हैव नो क्लू कौन लेके गया है. बट गाइस आई डोंट नो, मैं अकेली आई हुई हूँ, मैं 20 बर्गर का क्या करने वाली हूँ. लाइक
मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये मेरे साथ। मुझे सच में ऐसा लगता है शाम होते होते मुझे एक शादी का ऑर्डर मिल जाएगा कि मैडम इससे पहले तो मैं शादी का ऑर्डर आया, मुझे कोई ये बताओ मैं 20 आलू टिक्की बर्गर का क्या करूं। जब पता नहीं मैं मतलब बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता क्योंकि काफी रश था आजू बाजू, तो मैंने कैमरा चालू नहीं रखा था। अगर मैंने कैमरा चालू रखा होता ना तो आप मेरा रिएक्शन देख पाते। लाइक एक मिनट, पक्का यही ऑर्डर था इससे पहले मैडम? हाँ मैं अत्यारे जाती हूँ, चेंज ऑर्डर तो है। लाइक चलो आज तो मतलब लग गई है मेरी। इट्स लाइक 1, 2, 3 एंड ऐसे हमारे पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो मैं तो अभी एक आलू टिक्की बर्गर खा रही हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ आगे कुछ लोग बैठते हैं जिनको खाने की ज़रूरत रहती है, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड गिव देम। अब देखो एक ये थैली है, दूसरी ये थैली तीसरी, ग्रेट ग्रेट, मुझे सचमुच ये लगा था एक आध दो मील मिल जाएगी, कुछ पीने के लिए मिल जाएगा, बट हमें बदले में मिला है ये होल वीट। अच्छा अब ये वैसा फोटो वाला देने लग गए हैं। हेलो टू पीली गोपाली, बट मैं अभी भी मेरे बर्गर के साथ ही हूँ। और पता है मुझे ना मेरी गाड़ी गाड़ी नहीं लग रही है, मेरी गाड़ी एक बड़ा बर्गर लग रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्गर की स्मेल आ रही है ना यहाँ पे। मैं अभी मेरे दो फ्रेंड्स के घर के बाहर वेट कर रही हूँ, तो वो लोग आते हैं तो हम थोड़ा बर्गर वर्गर शेयर कर लेंगे उनके साथ। बट गाइस दिस वाज सो मच ऑफ फन गेटिंग 20 बर्गर्स विदाउट एनी प्लान। हाउ डू यू फील हिरन? ये देख 20 बर्गर, ये देख अलग 20 बर्गर, 20 बर्गर, ओह गॉड। लास्ट ऑर्डर 20 बर्गर का था? हाँ यार लास्ट ऑर्डर लिटरली 20 बर्गर का था। लाइक मैं खुद इतनी ज्यादा शॉक, 20 बर्गर खाने वाली नहीं, मैं 20 बर्गर नहीं खा पाऊंगी यार। बाय बाय हेलो गाइज, इट सीम्स टू बी अ कार ब्लॉग, पर मुझे घर आए हुए आधा एक घंटा हो गया है और अब हम जा रहे हैं जिम। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों जिम जा रहे हैं और मेरी मम्मी जिम जाने से पहले मैगी खा रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। दैट्स सो गुड। हेलो गाइज, आई लुक ऑल स्वेटी कॉज मैंने अभी मेरा जिम फिनिश किया है। एंड बिलीव मी, जितना मुझे जंक और यू नो टेस्टी यमी फूड पसंद है ना, अनहेल्दी फूड पसंद है, उतना ही आई एम एंजॉइंग जिम। आई एम सो शॉक्ड। बट हाँ, जिस दिन मेरा जिम मिस हो जाता है आई फील सो बैड। एंड टुडे वॉज एन इंटेंस काइंड ऑफ वर्कआउट, बट या अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है क्योंकि बर्गर मैंने लिए भले ही 20 थे, मैंने खाया सिर्फ एक ही बर्गर था, मैंने सोचा था मैं दो खा लूंगी पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। अभी मुझे लगी हुई बहुत जोर से भूख, मेरा मन कर रहा है स्पाइसी से नूडल्स खाने का। That was literally her reaction. कि जिम करके आती है और फिर शीज लाइक अब ये खाना है। बट नो, कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं, I'm sorry. ये मैगी खा के आई थी जिम करने के लिए, ये मैं तो कभी कभी खाती हूँ, आपका तो डेली का नूडल्स का लगा। सॉरी नहीं, मैं जिम नहीं खाऊंगी, मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी। हम जा रहे हैं सब्वे और उनसे जाके पूछेंगे इससे पहले जो लेके गए वो दे दो प्लीज प्लीज। आई जस्ट विश कि सब्वे से कोई शादी का ऑर्डर नहीं लेके गया हो क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से आज का दिन जा रहा है ना। पहला तेरे तो मैं लास्ट ऑर्डर યુટ્યુબ પર વિડિયો હું બનાવું છું તો એ આવી વિડિયો હોય છે गाइस। बहुत सारे ऑलिव जा रहे हैं एंड आई डोंट लाइक ऑलिव। सबने गमी हो तो थैंक यू सो मच। So I've got corn and peas, 6 in sub and I'm so happy because the guy and the staff there was so impressed. Usne mera channel tudan khol ke dekha and he was like it's a very nice idea and he was like so good. Bahut acha lagta hai aise logo se milke jitne positively response karte hai, nahi to subah se to aisa ho raha tha ki sare aise muh bana rahe the ye kya hai wo kya, and he was so impressed with that and he was लाइक अरे बहुत अच्छा आइडिया है ये, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। सो चाहे कुछ भी हो मजा आ गई, अभी तो सब में जाके तो सच में मुझे मजा आ गई। एंड आई एम ग्लैड कि एक ही था और 6 इंचेस वाला ही था, अगर 12 का होता है, अगर 3-4 होते तो पता नहीं मैं क्या।
this is okay, this is how it looks. Even this is so huge. I'm pretty sure मैं ये पूरा finish नहीं कर पाऊंगी. वैसे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कॉर्न एंड चीज, बट देखते हैं इसमें कैसा लगेगा. ओके, ये जो ब्रेड है ना, ये गार्लिक ब्रेड है, क्योंकि आई गेस उन्होंने गार्लिक ब्रेड यूज की थी. मुझे टेस्ट में गार्लिक जैसी दिख रही है, बट पता नहीं, मैंने कभी और खाई नहीं इनकी, सो आई हैव नो आइडिया. एंड दिस इज लिटरली सो ह्यूज. एंड सॉरी इफ आई एम ईटिंग इट रॉन्ग, बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट नो हाउ टू ईट अ सब. सो Yes, but it is good. Even the sauces are good. काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है. स्वीट अनियन का काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है. इट्स लाइक स्पाइसी एंड देन वेरी लिटिल स्वीट. इट्स नाइस एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग कॉर्न एंड चीज. हेलो गाइज, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. तो मैं गरम गरम चाय के साथ आ गई हूँ, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन चाय नहीं पी थी. तो मुझे तो ये वाला चैलेंज करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें हो रही थी. यू नो, लोगों से वो इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और ऑकवर्ड सा था. सुबह रिजेक्शन भी मिला, और 20 बर्गर जब मैंने लिए थे ना, आई वॉज सो फ्रिक्ड आउट. बट या, इन टोटल आई लिटरली एंजॉयड डूइंग दिस चैलेंज. अगर आपको और भी इस टाइप के कोई चैलेंज देखें तो मुझे कमेंट करके बता देना. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सब कर लेना. आई एम गोना मीट यू नेक्स्ट वन. तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस. टाटा.